हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम है फिर से एक बार ममता की रसोई घर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है बनाना शेक। हाँ फ्रेंड्स, बनाना शेक मैं आज जो रेसिपी लेके आई बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ, बट बहुत टेस्टी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी बनाना शेक कैसी बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको करते हैं बनाना स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे जूस वाला जार ले ली हूँ, जो मोस्टली जूस बनाने के लिए ही एक जार आती है, वो वाली जार मैंने यहाँ पे ले लिया है। और देख रहे हो, मेरे जो मैंने यहाँ पे बनाना डाला है वो काफ़ी पके हुए भी हैं। तो आप इस पे ज़्यादा पके हुए बनाना यूज़ करोगे तो वो टेस्टी लगती है, और थोड़ा कम पके हुए भी यूज़ कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेरे बनाने काफ़ी ज़्यादा पके थे, तो मैंने सोचा इसको बनाना शेक बना लेते हैं। बच्चों को भी बहुत से पसंद आता है, और बनाना शेक थोड़ा पके हुए बनाना का ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 ग्लास शेक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 6 केले लिए हैं। 2 केले में 1 ग्लास बहुत अच्छे से बनाना बन जाती है। और जो फुल क्रीम वाला मैंने यहाँ पे दूध लिया है, दूध मैंने 1/2 लीटर लिया है। एक पैकेट पूरा इसमें दूध यानी कि मिल्क 1 पैकेट पूरा ही डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं पूरा ही डाल दी, और फ्रिज में रखने के कारण इसमें आइस जमी हुई थी। तो आप भी बहुत ठंडे ठंडे दूध का यूज़ करें। अगर आपके पास ठंडा ठंडा दूध नहीं है तो आप गर्म दूध के गर्म को ठंडा करने के बाद भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे शुगर मैंने 4 चम्मच लिया है, क्योंकि 1 गिलास मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इधर 4 चम्मच शुगर यूज कर रही हूँ यानी कि चीनी, और 1 गिलास पानी भी डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो, तो अगर आप जितने गिलास बनाते हो या कम मीठा पीते हो तो कम भी शुगर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा मीठा पीती हूँ बनाना शेक, तो मैं 4 स्पून डाली हूँ। ओके, तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्राइंड में डाल दिया है और काफ़ी अच्छे से बन गई है ये जो जूस हमारी है। जूस को निकालने के बाद इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब का जो बेल आइकन बटन है उसको भी क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 गिलास लिए हैं, और देख सकते हो बहुत टेस्टी लग रही है बनाना शेक। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और ठंडी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आइस भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ठंडा दूध था, इसलिए मैं यहाँ पे 2-2 आइस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल दूध ले रहे हो तो उसमें 4-5 आइस डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों का सीज़न आ रहा है, जितना आइस डालो उतना ठंडा ठंडा और शेक बनेगी, और इससे शेक